हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें कह रहा है चेक व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर सॉल्यूशन। इसमें कह रहा है बताओ, चेक करनी है कि इस इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन है, ये है, ये कौन सा कौन कौन सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, आपको बताना है। व्हिच चेक व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का है ना, इसमें से कौन सोल्यूशन है फाइंड आउट करना। ओके, तो मैंने क्या बताया, सोल्यूशन वही होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। एक्स एक्स है, वाई है, एक्स वैल्यू 0 है, वाई वैल्यू 2 है। इसे पुट करेंगे, पुट करने के बाद अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब वो इसका सोल्यूशन है। अगर इक्वल नहीं आया, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब चेक करें क्या ए इसका सोल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का, चेक करो। थर्ड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखो फर्स्ट में है सोल्यूशन दिया हुआ 0.2। क्या ये हम जानना चाहेंगे 0.2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो इक्वेशन लिखो। सिंस इक्वेशन है एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4। अब देखो, अब एक्स जगह पर 0 पुट करो और वाई जगह पर 2 पुट करो, पुट करो यहाँ पर, पुट एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 4 पुट करो, तो दिस इंप्लाइज क्या आ गया, 0 माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू 4। अब जी 0 माइनस कितना, माइनस कितना 8 आ गया, क्या इक्वल है, नहीं इक्वल, ये फॉल्स हो गया। ये क्या ये फॉल्स है, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल नहीं है, यानी कि माइनस 8 है 4 है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है 0.2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, तो लिखेंगे देयरफॉर यहाँ बिलीव दिस इंप्लाई दैट लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर लिखेंगे 0.2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कितना है एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4, इसका सोल्यूशन नहीं है। आइए सेकेंड चेक करो, 2.0 चेक करते हैं, 2.0 2.0 इक्वेशन है कितना, ए एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4। सिंस एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4, अब यहाँ पुट करेंगे x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 और y की जगह 0, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल 0 पुट करो, क्या आएगा एक्स पर 0 पुट करो, सो 2 वाई जगह पर 0, तो 2 इंटू 0 4 2, अब माइनस 2 इंटू 0 0 आएगा, तो 2 माइनस 0 2 इक्वल टू 4, क्या है लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड है, इधर रॉन्ग हो गया, इक्वल नहीं है, इक्वल आना चाहिए था, नहीं आ रहा इक्वल, इसका मतलब है तो दिस इंप्लाई दैट क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, आर एच एस इक्वल नहीं है, देखो तो लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड 4 है, तो इसका मतलब क्या है, 2.0 भी क्या है इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कितना है एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4 का सोल्यूशन नहीं है। फिर नेक्स्ट आइए थर्ड में क्या है, 4.0 क्या 4.0 इक्वेशन क्या है, देखो तो इक्वेशन एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ भी वही करेंगे, पुट x इक्वल टू 4, x है ये y है एंड
वाई इक्वल टू जीरो पुट करो इसमें, जैसे ब्रदर क्या आएगा फोर एक्स में फोर पुट करो वाई जगह पर जीरो, माइनस टू इंटू जीरो इक्वल टू फोर। अब फोर माइनस माइनस टू इंटू जीरो क्या जीरो ही आएगा इक्वल टू फोर, तो फोर माइनस जीरो फोर ही आएगा। तो यहाँ पे ये राइट है, सही है, ये करेक्ट है ना, ये रॉन्ग नहीं है, करेक्ट है। यानी दैट इज क्या हो गया, जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है दोनों क्या है, ए बी फोर है, ए बी फोर है, आर एडजस्ट इक्वल है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गए, इसका मतलब जो है ए जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। फोर कोमा जीरो देर फोर लिखेंगे, फोर कोमा जीरो इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कितना इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर इसका सोल्यूशन है, यानी फोर कोमा जीरो इसका सोल्यूशन है, यानी ये थर्ड पार्ट सोल्यूशन है। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट सोल्यूशन है फोर कोमा जीरो। और भी चेक करो, फोर्थ पार्ट भी चेक करो, रूट टू या फोर रूट टू, रूट टू फोर रूट टू, देखते क्या सोल्यूशन है इसका, इक्वेशन का इक्वेशन कितना दिया हुआ है एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, यही है। अब एक्स पुट हम एक्स जगह क्या लेंगे रूट टू, वाई जगह क्या लेंगे फोर रूट टू, ये वाई है, पुट करो इसमें इस इक्वेशन तो क्या एक्स जगह लिखेंगे रूट टू, वाई जगह लेंगे फोर रूट टू इक्वल टू फोर। अब देखो बच्चे ये रूट टू माइनस टू इंटू फोर एट आएगा, एट रूट टू है ना, ओके इक्वल टू फोर। अब ये वन रूट टू है, ये एट रूट टू है, वन रूट टू में एट रूट टू माइनस रू कितना आएगा सेवन, माइनस सेवन निगेटिव आएगा छोटे बड़े माइनस करने, तो माइनस सेवन रूट टू इक्वल टू आ गया फोर। क्या ये इक्वल है दोनों, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है, इक्वल नहीं है, रॉन्ग है, क्या ये रॉन्ग आ गया, यानी दैट इज लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा, क्या लिखेंगे आंसर, क्या देंगे कि ए जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, तो क्या लिखेंगे देयर फोर रूट टू कोमा फोर रूट टू इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट क्या है देख लो, लास्ट ऑप्शन है, कहते क्या वन कोमा वन क्या इसका सोल्यूशन है, तो चेक कर लो एक्स वन वाई वन इसमें पुट करो, फिफ्थ पार्ट क्या है वन कोमा वन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, ये इक्वेशन है। अब क्या करेंगे अभी पुट एक्स भी वन लेंगे और वाई भी वन है, इस इक्वेशन पुट करो तो कितना आएगा, तो एक्स जगह वन पुट करो वाई की जगह पर क्या वन पुट करो, पुट करो तो वन माइनस टू इंटू वन इक्वल टू फोर, दिस इंप्लाई दैट वन माइनस टू इंटू वन टू इक्वल टू फोर, तो वन में टू माइनस करो कितना आएगा माइनस वन इक्वल टू फोर आ गया। क्या ये गलत सही है, ये रॉन्ग है, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वन है और राइट हैंड साइड में फोर है, यानी दैट इज एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये वन कोमा वन इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, देयरफॉर वन कोमा वन इज नोट ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, ये आंसर आ गया। तो सोल्यूशन कौन आया था, जो थर्ड पार्ट था ना वो सोल्यूशन आया था, बाकी सोल्यूशन नहीं है, ओके okay?
क्या सोल्यूशन आया था बच्चे? ये थर्ड पार्ट सोल्यूशन था, बाकी ये फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ सोल्यूशन नहीं है, चूँकि इसको छोड़ के बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं किया। इसको लेफ्ट पुट करने पे लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आया, केवल इक्वल किस में आया था? लेफ्ट साइड और राइट साइड थर्ड पार्ट में। ओके छोड़, लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें कह रहा है फोर्थ नंबर में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ की, की वैल्यू निकालनी है इफ एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कहते इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, अगर सोल्यूशन है तो एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो जाएगा। जब एक्स वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करोगे, देखो जी, जब एक्स जब यहाँ पर 2 पुट कर देंगे और वाई जब क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, ये किसके इक्वल आएगा? ये राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, के इक्वल आएगा, चूँकि सोल्यूशन दिया हुआ क्वेश्चन में सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा। तो बस क्या करनी है आपको, जब भी कोई किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जहाँ एक्स वहाँ 2 पुट कर दो तो 2 पुट कर दो यहाँ पर, और वाई कितना 1 है तो वाई वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दो। पुट करने में के, पुट करने के बाद ये के में इक्वेशन आएगा, देन के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ओके तो कर लेते हैं हम, सिंस एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 सोल्यूशन है किसका? 2x प्लस 3y इक्वल टू के का। ओके तो लिख दो क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन सिंस एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 2y, यही था ना, देख लो 2x प्लस 3y इक्वल टू के, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y उल्टा लिखा गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू के, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर तो जहां x वहां पे 2 पुट कर दो, जहां y वहां 1 पुट कर दो, चूँकि एक्स वाल टू वाई इक्वल टू 1 सोल्यूशन है तो पुट करने पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेफ्ट पुट करने के बाद ये वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? ओके देयरफॉर क्या हो गया? ओके देयरफॉर 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू के। हमने क्या किया? हमने ये किया कि जहाँ x था x जगह 2 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, जहाँ y था y जगह क्या पुट कर दिया? 1। ऐसा क्यों किया? चूँकि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुट करने के बाद एक इसके इक्वल हो जाएगा, k के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू k लिख दिया। अब k में इक्वेशन आ गया, k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ओके तो कितना आ गया देखो, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू के। तो 4 प्लस 3 कितना आ गया? 7 इक्वल टू के, के की वैल्यू आ गया, देयरफॉर के इक्वल टू 7 आ गया, ये आंसर हो गया। ओके अगर एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू 1 सोल्यूशन है तो के की वैल्यू कितना आएगा? 7 आएगा, ये आंसर हो गया। ओके जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा कि सोल्यूशन है तो आप क्या करना, जो एक्स का वैल्यू वाई की वैल्यू इक्वेशन पुट कर दो, पुट करने में जो इक्वेशन आएगा सॉल्व करो, जिसका वैल्यू कहेगा फाइंड आउट करने, फाइंड आउट हो जाएगा। ओके बेटे तो इस तरह से एक्सरसाइज आपका, ये एक्सरसाइज 3.2 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है? इसमें कुछ था नहीं, बेसिक है, आप क्वेश्चन करो क्लियर हो जाएगा। ओके बेटे।